हे फ्रेंड्स, वेलकम टू जावर डॉल फॉर बिगनर्स। और इस वीडियो में हम व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड इन जावा, फाइनल कीवर्ड इन जावा, ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो सबसे पहले, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस उन क्लास को कहा जाता है जिनमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिक्लेयर होते हैं। अब ये क्लास हायरार्की को देखिए, यहाँ एक शेप क्लास है जिसे तीन क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। शेप क्लास में सारे क्लासेस के कॉमन मेथड्स हैं, जैसे कि एरिया जो कि हर एक शेप का होता है, एंड डिस्प्ले मेथड टू डिस्प्ले एनीथिंग। एंड ये सारे मेथड्स कैन बी इनहेरिटेड बाय ऑल द थ्री क्लासेस, नेमली रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। अब अज्यूम कीजिए कि आपको ये जो क्लासेस अभी मैंने बताए उनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोड लिखना है। चलिए ऑब्जर्व करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे दिखेंगे। रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट ट्रायंगल जैसा दिखेगा, लेकिन शेप क्लास का ऑब्जेक्ट वो कैसा दिखेगा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में? अगर आप ऑब्जर्व करें तो शेप क्लास हमें इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये दो मेजर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है। लेकिन इस क्लास में खुद कोई भी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इट इज नॉट बिल्ट टू बी इंस्टेंशिएटेड। ऐसे क्लासेस को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह सकते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता है। ये जो हमारा शेप क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो चलिए उसका सिंटैक्स देखते हैं। इसके सिंटैक्स में एब्स्ट्रैक्ट क्लास फॉलोड बाय नेम ऑफ इट एंड कर्ली ब्रेसेस आएगा, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर बाकी का कोड। ऐसा हो सकता है कि आप शेप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेबल ना करें और फिर उसे इंस्टेंशिएट करें, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें। लेकिन याद रखिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का आपके कोड में कोई यूज नहीं होगा, और हो सकता है कि कुछ अननेसेसरी एरर्स जनरेट हो, इसीलिए इट इज नॉट डिजायरेबल। चलिए अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऐसे मेथड होते हैं जिनमें बस मेथड डेफिनेशन होता है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अब जैसा कि हम सबको पता है, एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल के लिए अलग अलग होता है। शेप क्लास में जो कैलकुलेट एरिया मेथड है उसे हर एक इनहेरिटिंग क्लास को ओवरराइड करना होगा एज पर दैट एरिया फॉर्मूला। सो उस मेथड को शेप क्लास में डिफाइन करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हमें ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि सारे इनहेरिटिंग क्लासेस के पास ये मेथड हो, दैट इज कैलकुलेट एरिया मेथड। सो ऐसे मेथड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया, यहाँ कैलकुलेट एरिया मेथड को एब्स्ट्रैक्ट लेबल किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कोई इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, बस मेथड डेफिनेशन होता है। अब चलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंप्लीट या कॉन्क्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं। फॉर डिजाइन पर्पस एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, ऑल्दो उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ना हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस अपने सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, और जब ऐसा होता है हम इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेप ओबीजे इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि शेप का रेफरेंस रेक्टेंगल क्लास जो कि एक सब क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसे एब्स्ट्रैक्ट लेबल करना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, फाइनल कीवर्ड इन जावा। फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। फाइनल वेरिएबल एक कांस्टेंट बन जाता है और उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, ऐसा सिक्योरिटी रीजंस के वजह से होता है, और इन मेथड्स को ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। चलिए जावा कोड की मदद से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और फाइनल कीवर्ड्स को समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, शेप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट लेबल किया गया है, कैलकुलेट एरिया मेथड को एब्स्ट्रैक्ट लेबल किया गया है,
फिर आगे रेक्टेंगल क्लास शेप क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि इनहेरिट कर रहा है, हेंस एक्सटेंड कीवर्ड। रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। चलिए इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, तो हमें एरर मिलेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इस इशू को फिक्स करने के लिए लाइन नंबर 15 को अनकमेंट कीजिए एंड एग्जीक्यूट कीजिए, आपको दिस इज डिस्प्ले मेथड दिखेगा। नाउ लाइन नंबर 13 को भी अनकमेंट कीजिए और फिर सेव करके कंपाइल कीजिए, तो आपको आउटपुट में एरर आएगा। और एरर इसलिए आएगा बिकॉज वेरिएबल भी फाइनल वेरिएबल है एंड लाइन नंबर 13 में उसे मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जब आप इस कोड को कॉपी करके खुद से एग्जीक्यूट करेंगे तो आप उन एरर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इट्स मेथड्स इन जावा अलॉन्ग विद फाइनल कीवर्ड। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।